आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम में आज जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का एक नया स्वरूप मेट्रो के रूप में प्राप्त हो रहा है, इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के आवास शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन के मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय श्री हरिद्वार दुबे जी, महापौर आगरा श्री नवीन जैन जी, माननीय विधायकगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, श्री महेश गोयल जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री डीएस मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी निवेदन उत्तर प्रदेश शासन श्री दीपक कुमार जी, और उपस्थित मेट्रो कार्य योजना के शुभारंभ के समारोह में उपस्थित आगरा के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे, इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है, और आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व हैं ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सबके लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मानदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार रही है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी आगरा वासियों को मेट्रो कार्य के शुभारंभ के इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।